खरगोन जिले कसरावत तहसील के महिला बाल विकास अधिकारी विजेंद्र भालेराव ने बताया, तहसील में 7,80,000 की लागत से 7 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। शासन द्वारा स्वीकृति आदेश आ चुके हैं, स्थानों का चयन किया जा रहा है। स्थान चयन होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आंगनवाड़ी भवन स्थानों को चयन को लेकर आज भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह यादव ने वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 में स्थानों का चयन किया। राजेंद्र यादव ने बताया कि इस क्षेत्र से काफ़ी समय से आंगनवाड़ी केंद्रों की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया कमलनाथ ने महिला बाल विकास को इन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए 7,80,000 निर्धारित किए हैं। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण से इस क्षेत्र में रहवासियों को इसका लाभ मिलेगा, इनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारे माननीय मंत्री जी जो हमारे विधायक हैं, उनकी मंशा अनुसार प्रत्येक वार्ड में आंगनवाड़ी भवन बने, वहाँ उस वार्ड के बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसी को देखते हुए और जो वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उनको इन आंगनवाड़ियों में, इस देश के भविष्य को, हमारे कसरावत शहर के भविष्य को, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको एक व्यवस्थित इस आंगनवाड़ी में पोषण आहार के बारे में मार्गदर्शन भी मिले, एक साफ सुथरा माहौल उनको मिले, इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक वार्ड में आंगनवाड़ी भवन बनाने का काम किया जा रहा है। उसी के तहत आज का ये स्थल निरीक्षण आदरणीय हमारे वालेकर साहब जो परियोजना अधिकारी हैं उनके और हमारे REAS के SDO साहब यादव साहब के साथ इस स्थल का निरीक्षण करके और यहाँ आंगनवाड़ी भवन बने, ये हम सबकी और इस वार्ड के सभी साथियों की, हमारी पार्षद महोदय आप रुको आपा की भी ये इच्छा है कि यहाँ इस वार्ड में आंगनवाड़ी भवन बने। ये वार्ड क्रमांक कौन सा है सर? वार्ड क्रमांक 3 के आंगनवाड़ी भवन के लिए आज का ये स्थल निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और बाकी के वार्डों में भी, जिन वार्डों में आंगनवाड़ी नहीं है उन वार्डों में भी आंगनवाड़ी भवन, क्योंकि अभी तक किराए के भवन में और अन्यत्र कहीं लग रहे थे उससे परेशानी भी हो रही थी, ये आंगनवाड़ी खुद का भवन हो जाएगा, इससे इस वार्ड के सभी माता बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ आने में भी सहूलियत होगी और जैसे पहाड़ी वाला एरिया है तो नीचे इन बच्चों को जाने में भी परेशानी होती, उससे भी ये लोग बचेंगे। निश्चित रूप से काफी दिनों से इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि एक आंगनवाड़ी इस क्षेत्र में भी बने और स्थानीय पार्षद जो रुको आपा उनके भी काफी प्रयास रहे, लेकिन यहाँ के लोगों की एक और मांगे कि एक सामुदायिक भवन भी चाहते हैं ताकि काफी परेशानी होती नीचे, उस बारे में भी कुछ सोचा जाएगा? निश्चित रूप से हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, युवा विधायक हैं, उनकी सोच विकास की है और उनकी सोच ये भी है कि जो इस नगर के और इस वार्ड के लोगों की मूलभूत मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यहाँ की अभी हमने देखा इसकी साफ सफाई के बारे में भी हम आगे नए सिरे से इस वार्ड के लोगों को स्वच्छता के साथ हमारे नगर परिषद के CMO और उनके स्टाफ को कह के इस वार्ड की सफाई और इस वार्ड में और भी विकास के काम हो, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।